प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 10 तारीख को, जिसके लिए कहा उन्होंने जो सारे शिक्षकों के लिए काला दिवस के तौर पर जाना जा रहा, और इस पर बड़ी लंबी चुप्पी मैंने देखी। कई दिनों मैंने इंतजार किया, मुझे लगा कि कोई तो नेता कुछ बोलेगा, कहीं से कोई नहीं बोला। बस बल्कि इन व्हाट्सएप के और न्यूज़ के तहत थ्रू मैंने देखा कि हमारे शिक्षक हताश हो रहे हैं, उनके घर की महिलाएं रो रही हैं, वो यहाँ तक कि आत्महत्या की भी सूचना मिलने लगी। यह सब देख कर लगा कि अगर मैं बतौर प्रत्याशी शिक्षकों के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मैंने सोचा कि एक समाज को और सरकार को, समाज को मैं मैसेज दूँ और अपने शिक्षकों को कहूँ। अपने शिक्षकों को पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम पुनर्याचिका अगर दायर करते हैं तो उसके पहले हम एक स्ट्रेटजी बना लें और फिर हम एकत्रित होकर, इस बार हम अलग अलग खंड में नहीं जा रहे, 108 जो खंड में बटे थे, हम एकत्रित होकर और तब पुनर्याचिका दायर करें, जिस क्योंकि उस खंड का भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फायदा उठाया था। उस 108 जो हमारी 107 याचिकाएं अलग अलग से दायर हुई थी, उसमें पैसे भी गए हमारे शिक्षकों के और उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया गया। नंबर वन, समाज को मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज हमेशा शिक्षकों को सोचती है कि ये लोग बड़े आराम में, कभी उन्होंने देखा है? आज जो मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, तो मैं खिलाफ शब्द के लिए भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं शिक्षिका हूँ और हम सभी शिक्षक हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आस्था है, लेकिन एक प्रश्न है और एक मन में क्या एक जिज्ञासा है जो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ सरकार से और शीर्ष पर बैठे नेताओं से कि आपने इतनी चुप्पी कैसे साध रखी है? आप लगातार जितना पैसा आप किसी योजना में लगाते हैं उतना पैसा आप शिक्षकों से केस लड़ने में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दिए, हर समय वहाँ गए, यहाँ तक कि 10 तारीख को, 12 तारीख को इलेक्शन था, आपके ऑफिसरान वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। क्या बात है, इतनी रुचि रखी एक महज एक शिक्षक से लड़ने में? आप इतनी रुचि अगर किसी और काम में रखते, इतना पैसा आपने कहीं और लगाया होता तो कोई अच्छा सा कार्य हुआ होता। ये मैं सरकार को आपसे, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। और रही बात संवैधानिक है, जब 21A के बाद आपने राइट टू एजुकेशन के आधार पर आपने शिक्षकों की नियुक्ति की और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वो समान रूप से कार्य करते हैं तो उनके वेतन में समानता होनी चाहिए, उसको भी आपने कहीं नहीं कहा। यहाँ तक कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के फेवर में वहाँ के बिहार सरकार के वकीलों को पूरी तरह से लड़खड़ाते रहे, और जिस यहाँ तक कि मैं आपसे कहूँ कि जिस दिन फैसला होना था, जब फैसले की बात आई तो साफ लगा कि यह शिक्षकों के हित में आ रहा, अचानक जब उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए सरकार की याचिका को मंजूरी दे दी गई तो सारे हाथ प्रभ हो गए, और यही कारण था कि हमारे शिक्षक हताश हो गए। यहाँ भी चुनौतियाँ रहेगी किसी से? बिल्कुल चुनौती रहेगी, चुनौती नहीं रहेगी तो चुनाव कैसा? क्या अपील करना चाहेंगी अपने समर्थक और टीचर लोग से? मैं एक बात तो जरूर अपील करना चाहूंगी कि अब तक इस चुनाव में हमारे माननीय जो भी आए वो महज शिक्षक थे, जिसके कारण आज हमारे शिक्षकों का ये हाल है। कोई जाता है तो किसी दल में, जैसे अभी हमने कहा था कि निर्दल होकर भी जाकर दल में जुड़ जाते हैं, जब दल में जुड़िएगा तो दल वाले आका बन जाएंगे आपके। मैं निर्दल इसलिए नहीं, मैं तो दल में थी, मैंने तो कहा ही कि मतलब नौकरी में आने से पहले से राजनीति में थी, लेकिन मैंने दल छोड़ा शिक्षकों की मांग के लिए, क्योंकि जब मैं किसी दल से रहूंगी तो दल के नेता के हिसाब से मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने जब से निर्णय लिया कि मुझे इस इलेक्शन में आना है, मैंने दल इसलिए छोड़ा ताकि मैं शिक्षकों की मांग जब करूं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं। दूसरी बात, मैं जनरल पॉलिटिक्स से आई हूँ, मैं महज शिक्षक से नहीं आई, मैं अनएम्प्लॉयमेंट में राजनीति से जुड़ी थी, इसलिए मैं शिक्षकों को ये कहूँगी
कि मुझे एक बार जरूर मौका दें, क्योंकि आज तक मैं शिक्षक थी तो आप आत्महत्या के कगार पर पहुंचे। मैं नहीं कहती कि मैं क्या करूंगी, मैं लेकिन मुझे एक चीज आता है कि जाकर मुख्यमंत्री के आवास के पास कई दिन सो जाना और हम शिक्षकों को कहेंगे कि आप क्लास कीजिए, काला पट्टी बांध कर मैं सोती हूँ और मुझ पर गाड़ी चलानी। यहाँ भी कई गुटों में शिक्षक बटे हुए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? गुट में बैठे हैं जो बटे हुए हैं, अब ये गुट नहीं रहेगा। अब शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, वो बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं सोचते हैं। ऐसा हुआ कि मांग के अनुसार बढ़ता गया, जबकि एक बात और बताएं कि यह नियोजन ही बहुत सोची समझी साजिश है। मैं नहीं चाहती थी कि फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सब कुछ कहना पड़े। ये बांटने वाला कौन है महोदय? ये बांटने वाले तो हमारी नीति है। 17 तारीख है। मैं तो बोल रही हूँ, मैं जिला पार्षद ही एक साधारण प्रोफेसर हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, मैं किसी वो ऐसे ओहदे पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 7 दिन इंतजार किया। 7 दिन इसलिए इंतजार किया कि किसी नेता का कोई तो कमेंट आए, यहाँ तक कि पदस्थापित हमारे पार्षद लोग हैं उनका भी तो कमेंट आए, कुछ तो आए, शिक्षकों के लिए कोई तो संदेश आए। एक भी संदेश आया क्या? आता तो आप ही तो माध्यम होते ना, एक भी नहीं आया। तो आप बताइए कि मैं 7 दिन अपनी तरफ से 7 दिन मैंने बहुत समय दिया, मैंने गोपालगंज में किया, यहाँ किया, छपरा में भी मैसेज भेजा और लगातार मैं 5 जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं उन्हें हर तरह से आशान्वित कर रही हूँ। इसके बाद वो मुझ पर भरोसा मीसा भारती और मीसा भारत। मेरा मकसद यही है, मेरा मकसद नेत्री मैं हूँ लेकिन एक सेविका भाव से ही रहूंगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सरकार आज मुझे बुलाकर कह देना कि आप मत प्रत्याशी हुई है। मैं सारे अपने शिक्षकों की आपकी जो मांगे हैं या आप शिक्षकों के लिए जो वकालत करी वो उसका मैं सब कुछ मैं दे रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी अगर मेरी शर्त पर हो जाए तो। ये मेरा सेविका भाव है, बस ये मेरा सेविका। आज बुलाकर कह दें कि हमारा ये जा रहा है आप, तो ये मेरा सेविका भाव है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए जी। मेरा नाम हुआ अनुजा सिंह और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, फिलहाल मैं कमला राय कॉलेज में हूँ और गोपालगंज में रहती हूँ। गोपालीगंज में मैं जिला पार्षद थी, गोपालीगंज में मेरी शादी हुई है और गोपालगंज में ही मैं ट्रांसफ़र करा कर आ गई, क्योंकि नेतृत्व को जहाँ से मैंने छोड़ा था मुझे फिर वहाँ से शुरू करना था। भागलपुर में मैं जब गई, लेकिन आश्चर्य कि भागलपुर में भी वहाँ के यूनिवर्सिटी में भुट्टा में मैं वहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट हो गई थी।